ये लाइक होता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफस्टाइल गुरु, दिस इज मी गुरु दानिश, वेलकम टू अनदर ब्लॉग, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल डे। तो आज हम जा रहे हैं फाइनली इतने दिनों के बाद बच्चों को स्कूल लेने के लिए। मैं जा रही हूँ, वरना जाने चाहते हैं, और आज ज़रा सा काम भी है, बच्चे दानिश लेकर। तो खैर, आज हम जा रहे हैं बच्चों को स्कूल लेने के लिए। दानिश और मीरी इंतज़ार कर रहे थे नीचे, मैं कुछ चीज़ें भूल गई थी ऊपर, और दानिश को थोड़ा सा बैंक में काम है, कुछ चेक वगैरह साइन करना, और मुझे तो कोई काम नहीं है, मेरा बैंक से क्या काम। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आई पढ़ाते। तो धूप तो इतनी नहीं है, लेकिन जो रोशनी है ना, बहुत ज़्यादा आंखों में चुभ रही है। और बस चलें, पहले बैंक जाएंगे, फिर ये सूट भी चेंज कराना है, आई होप हो जाए। और दानिश का लिया था बहुत पहले, तकरीबन 10-12 दिन हो गए इस बात को, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था जाने का। तो खैर, हम पहले ये करवाएंगे, उसके बाद बच्चों को स्कूल लाने के लिए जाएंगे। तो चल चल, मैडम को बैठना है पीछे, आउट, खोलो खोलो, नहीं हुआ। हाँ मम्मा, मम्मा के हाथ में भी सामान है ना। ओके आ जाइए, हेलो को तो कर दो सबको, इधर टेक कर, जल्दी जल्दी जल्दी, पापा को देर हो रही। हेलो, तबीयत कैसी है आपकी? बहुत अच्छी है। नजला तो नहीं हो रहा? पापा बाइक तो। चलिए जी, देखें मौसम तो बड़ा हसीन है। दानिश की कॉल आ गई है, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाकर मिलते हैं। चलें जी, पहले हम डलवा रहे हैं पेट्रोल, और यहाँ से हम जाएंगे बैंक, बैंक से जाएंगे हम बच्चों को स्कूल लेने के लिए, क्योंकि टाइम नहीं होगा मुझे लगता है कि हम सूट चेंज करवा सकें। चलें जी, हम आ गए हैं बैंक, और वो है बैंक, वहाँ से भी आ गए शास, जो पता नहीं क्या लाएगा, वल्ला आलम। चेक लेकर आ रहा है, शाज नाम है उसका, क्या नाम है? शाज आएगा, वो मिराल कहती है उसको, शाज। हाँ। जी ये आ गया शिराज। और ये मिराल की खुशी, मिराल की खुशी देखो शिराज, तुम छोड़ो, तुम मिराल की खुशी देखो, आते नहीं हो। अरे बाबू कहाँ है मेरी, इतनी मेरी बाबू खुश हो गई बाबू, तू तो पकड़ो। कौन आया? शिराज चाचू आ गया, घूमने जा रही है। तो जी ये सब काम था दानिश को यहाँ पर, जिसकी वजह से हम इंडस्ट्रियल एरिया आए, और अब हम यहाँ से जाएंगे बच्चों को स्कूल लेने के लिए। बाबू, ये सब इंडस्ट्रियल एरिया, चले काम हो चुका है, दानिश का साइन इन हो चुका है, शिराज और अब हम जा रहे हैं बच्चों को स्कूल लाने के लिए, क्योंकि मार्केट जाने का तो टाइम नहीं है। चले जी, मनाल और मिशाल का स्कूल आ गया है, और मिराल मैडम लाने जाएंगी, और ये नींद में हो रही है क्योंकि सुबह उठ गई है ये जल्दी, और अब ये नींद में हो रही है। और यहाँ रश जैसे कि नज़र आ रहा है, बहुत रश है, इसलिए थोड़ा सा लेट आते हैं, लेकिन हम आ जा रहे हैं बिल्कुल ऑन टाइम। कहाँ है टाइम, कहाँ है आ रहा है इसका, ऐसा टाइम कहाँ गया? 2:01 पर, और ऑलमोस्ट 2 बजे करीब छुट्टी हो जाती है। तो यहाँ पार्किंग लगाना ये बड़ा मुश्किल काम है, मिलती है बड़ी मुश्किल से पार्किंग। चल बच्चों को लेते हैं, फिर मिलते हैं। हाँ चल आराम से रुक, चल
बाल कैसे खराब हो गए इसमें वाले। मनाल आ जाएगी, छोड़ दो, आप आ जाओ। प्याज लेकर गई, चलो जल्दी आओ आराम से, चलो मिशी मीरी वाले सर, चलो मिशी तुमने मुझे बैग अपना पकड़ाया है। चलें जी, बच्चों को भी ले लिया है अब, और अब हम शाल को लेंगे। यहाँ बस आगे पीछे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आ जाती हैं तो बड़ा मसला होता है। जल्दी करो जल्दी करो। चले जी, यहाँ दानिश लेने गए हैं इंशाल को, क्योंकि यहाँ रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब बन रहा है रोड तो पूरा ख़राब किया हुआ है रोड ना, कोई गाड़ी रुक नहीं सकती, जा नहीं सकती, बड़ा मसला हुआ है। आड़ी टेढ़ी गाड़ियाँ लोगों ने पार्क करी हुई, उसमें से एक हम भी शामिल हैं, हमने भी खड़ी कर दिया, लेकिन शुक्र है कि ऐसी खड़ी करी है, गाड़ियाँ जा रही हैं। और यहाँ बच्चे बैठे हैं अपनी चीज़ें, ये मनाल ने ड्राइंग बनाई है। इसका क्या है इसकी थीम? इसका नाम है कलर व्हील। हम लोगों ने ना चार कलर्स करे और फिर ना उनको उनके बीच में ना उन दोनों कलर्स को मिक्स किए। ओके, आप ही उससे आए बने। सही सही। ये तुम्हें बताएगी सही। मैंने भी तो चले, बस अब इंशाल्लाह आएगा, अब घर जाएंगे, घर जाकर बच्चों को नाश्ता पानी देना है, तो बस अब घर जाएंगे, घर जाने के बाद बच्चे फ्रेश होंगे और बच्चों को खाना पानी देकर बच्चों को थोड़ी देर सुला दूंगी, बोलूंगा सो जाओ, क्योंकि जी हम घर पहुंच गए, घर नहीं पहुंचे, मतलब पार्किंग में है हम लोग, एक ही बात है, लेकिन हम अभी पार्किंग में हैं, अभी ऊपर जाएंगे, ये लोग चेंज करेंगे, मैं नाश्ता बनाऊंगी, नाश्ता मतलब नाश्ता और खाना एक ही होता है हमारा, तो वही टू इन वन हो गया, मैंने तो हम लोगों ने तो कर लिया, अब ये लोग करेंगे, मतलब पराठे बनते तो वो नाश्ता ही दिमाग में घूम रहा होता है, तो बस अब इन लोगों को खाना वाना और उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं, क्या होता है आज, और चल घर जाते हैं। तो जी अभी हम सोकर उठ गए हैं, हम सम्राज, मैं और मिराल, ये और मैं, हम दोनों सोकर उठ गए हैं क्योंकि इसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी और ये दवाइयाँ पी रही हैं जिसकी वजह से इनको नींद आ गई। तबीयत ख़राब है ना हमारी, सही हो गई थोड़ी सी तबीयत? कैसे तबीयत सही ख़राब हो गई थी, क्या हो गया था? क्या हो गया था तुम्हारी तबीयत को? तो खैर अभी इनकी तबीयत थोड़ी सी अभी बेहतर हो गई है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन चिड़चिड़ापन है बहुत ज़्यादा। तो मैं जब स्कूल से लेकर बच्चों तो जब मैं स्कूल से बच्चों को लेकर आ गई थी तो अफरा तफरी हो गई थी, क्योंकि पराठे वगैरह बनाए हुए नहीं थे, तो जल्दी जल्दी पराठे बनाने थे मुझे, फिर ये भी तंग कर रही थी मुझे, तो मैं व्लॉग नहीं कंटिन्यू कर सकी, और फिर हम सो गए, फिर सो गए तो उठे, फिर नमाज़ पढ़ी, फिर नमाज़ पढ़ने के बाद बर्तन वगैरह धोए, किचन को साफ किया, और बच्चों के लिए अभी मैंने बनाए हैं पॉपकॉर्न, तो अभी बच्चे खाएंगे पॉपकॉर्न, और सिर्फ मस्ती आती है मेरे बच्चों को, सिर्फ मस्ती। मेरे मोबाइल में फोन आ रहा है तो बोल रही मम्मा पो आई है, पो आई है।
फोन आ रहा है, फोन आ रहा है मामा, फोन आ रहा है। अच्छा देख लेती हूँ, मैं देख लेती हूँ। तो फोन पता है किसका आ रहा है अभी? ये व्लॉग अगर आप ही देखेगी कल, तो ये आप ही की कॉल आ रही है और मैं रिसीव नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो मैं व्लॉग को भी थोड़ी सी देख ले रुकती हूँ और उससे बात करती हूँ। उसके बाद पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न खाते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद दानिश आ जाएंगे, फिर देखते हैं आगे की क्या प्लानिंग है, क्या है। तो व्लॉग अभी ख़त्म नहीं कर रही हूँ, व्लॉग का एंड नहीं है, तो स्किप मत करिएगा और बने रहिएगा। और रात होएगा एंड। ओके जी, तकरीबन 10 बजने वाले हैं और ट्यूशन सर ने आज छुट्टी कर ली है, और बस अब मैं रोटी बनाने जा रही थी। तो मेरे बच्चे जो हैं, अभी मेरी कज़न की शादी होने वाली है अक्टूबर में, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, डांस प्रैक्टिस हो रही है। तो मैंने बोला चलो छोटी सी वीडियो बनाती हूँ उसके लिए, तो ज़रा देखते हैं। तो जी आप लोगों ने डांस देखा, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और किसका अच्छा लगा, मनाल का, मिशी का या मिराल का, तीनों में से किसका डांस अच्छा लगा? तो डांस प्रैक्टिस तो हो गई, पढ़ने के लिए बैठ जाओ, सर नहीं आ रहा है, उनको कहीं जाना है। तो खैर अब बाबा भी आ गए, चलो जी अब रोटी बना लेती हूँ, दानिश भी आ गया, मुझे बहुत सुनाएंगे अगर मैंने बोलेंगे, देखेंगे कि मैंने रोटी नहीं बनाई। तो चले रोटी बनाकर फिर मिलते हैं, खाना वाना खाकर मिलते हैं आपसे। जी यहाँ मैं रोटी बना रही थी और मिराल मैडम को भी रोटी बनानी है। बोलो हेलो गाइस, रोटी खा लो, बोलो हेलो गाइस, रोटी खा लो। बुद्धू ये बोलना पड़ता है, हेलो गाइस रोटी खा लो, बोलो। हाय गाइस, मिराल की रोटी है, ये मिराल ने बनाई है रोटी, और ये कौन खाएगा, बाबा उसके। चलें जी, खाना वाना खा लिया था हमने, और उसके बाद दानिश ने मीठा मंगाया था रसमलाई, तो उसका व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा ही टूट पड़े उसके ऊपर, तो मैं व्लॉग नहीं कर सकी उस वक्त। और मिराल ने अब ये फैलावा किया हुआ है, मैंने क्या हरकत है, क्या किया है। मिराल ने चेंज कर लिया है, मुँह हाथ धो लिया है, कंगी शंगी कर ली है, और दिखा दा बटन भी खुल गया एक और, देखो ये किसने किया है, अब कौन सा ही करेगा, ये कौन सा ही करेगा, ये कौन सा ही करेगा, बाबू ही सही करेगी। किसने किया, बाबू ने किया, अब ये सही भी कौन करेगा, बाबू करेगी। तो चलें जी, बस बच्चे सो गए हैं, इंशाल मनाल मिशी तीनों सो गए हैं, सिर्फ ये बच्ची नहीं सोई क्योंकि इसको अभी मैं नेबुलाइज करवा रही थी, अब इसने नेबुलाइज कर लिया है। और ये जो इन्होंने गंद फैलाया है, ये मुझे ही साफ़ करना है, मुझे ही सेट करना है। तो व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मुँह हाथ धो लिया है मैंने, स्किन नाइट स्किन केयर की वीडियो मैं शॉर्ट्स में लगाऊंगी। भी हमने मिराल को नेबुलाइज करवा दिया है, और इसको नेबुलाइज करना बड़ा ही मुश्किल काम है। इंश दानिश और मैं दोनों पकड़ते हैं, इसको मोबाइल देते हैं और फिर इसको नेबुलाइज करते हैं। इसने भी फेस वॉश कर लिया है, मैंने भी फेस वॉश कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, मम तो लेंगे वहाँ से, उसके बाद क्या करेंगे, हाँ खो करेंगे, खो ये सोती है खो करके, खो। अरे सबको गुड नाइट तो बोल दो, गुड नाइट, टाटा, टाटा, बाय बाय, बाय।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे लाइक करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब ऐसे करो ना, ये तो लाइक होता है, लाइक करो, लाइक करवाओ, कैसे लाइक करवाओगी, ऐसे लाइक करवाते हैं, ये लाइक होता है नो नो, तो ऐसे लाइक होता है ना। हाँ तुम तो कुछ और ही करवा दो। तो खैर चलो ये जब तक तुम समेटो मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ, ठीक है। तो जी जब तक ये समेट रही है थोड़ा बहुत जो हो सकता है, हो नहीं सकता है, ये पाँवों से समेट रही है, पाँवों से एक जगह कर रही है। तो कल का व्लॉग हम बनाएंगे, वो कपड़े तय करेंगे, उसके बाद कल सोच रही हूँ मेकअप का जो कबाड़ा मैंने उस साइड पर किया है उस कबाड़े को मैं सेट करूँ, तो उसका व्लॉग बनाऊँगी मैं, क्या क्या मेरे मेकअप वैनिटी के अंदर है, तो वो देखिएगा। और ब्लॉग को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। और अगले ब्लॉग तक के, अच्छा मैं कह रही थी स्किन केयर का, स्किन केयर नाइट स्किन केयर जो मैं भी अभी इस वक्त करूँगी, वो मैं हो सकता है शॉर्ट्स बनाऊँ, नहीं तो फिर कल बनाऊँगी, तो फिर मैं वो शॉर्ट वीडियो में डालूँगी या फुल वीडियो बनाऊँगी। तो नाइट नाइट रूटीन भी आने वाली है मेरी इंशाल्लाह कमिंग सून, तो वो भी देखिएगा। डे रूटीन तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि डे रूटीन में मैं क्या करती हूँ स्किन पर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टाटा करो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टाटा।